फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल स्टाइल लर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन की। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जो कि कैपिटल में है, जैसे कि आई यहाँ पर कैपिटल में है, वैन का डब्ल्यू यहाँ पर कैपिटल में है, देन एजाइल यहाँ पे कैपिटल में है, कस्टमर डेवलपमेंट ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये वर्ड्स लोअर केस में लिखे हैं और ये वर्ड अपर केस में लिखे हैं, ऐसा क्यों है? इसके कुछ रूल्स हैं, वही रूल आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग। कैपिटलाइजेशन जो है उसको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है उस रूल मिंट्स। यहाँ मैं आपको मिंट्स को डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि मिंट का मतलब क्या है। यहाँ पर एम मीन्स मंथ्स एंड डेज। जब भी आप कभी किसी भी टेक्स्ट में मंथ्स, जैसे कि जनवरी तो जे आप कैपिटल लिखेंगे, डेज या हॉलीडेज, भी आप इनके बारे में बात करते हैं तो आप इन्हें कैपिटल में लिखेंगे। डेज जैसे मंडे ट्यूसडे, वो सेंटेंस में कहीं भी आ रहा हो, जैसे आई एम गोइंग टू लीव ऑन मंडे, इस सेंटेंस में मंडे जो है का जो एम है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। उसे मैं आगे और डिस्क्राइब करने वाली हूँ, आप चैनल पे बने रहिए। कोई भी हॉलीडे जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है आई एम आई, द प्रोनाउन आई, द प्रोनाउन आई जो कहीं भी किसी भी टेक्स्ट में किसी भी सेंटेंस में यदि आई इनिशियली अगर आता है सेंटेंस में तब भी आप उसे कैपिटल लिखेंगे, यदि मिडिल आता है तब भी कैपिटल लिखेंगे, यदि लास्ट में भी आता है तो आप हमेशा आई को कैपिटल लिखेंगे। एन, एन मीन्स नेम्स, किसी का भी नाम, चाहे वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, अगर नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में आएगा। उसके बाद आता है टाइटल, टाइटल जैसे कि मिस्टर, डॉक्टर, मिसेस, किसी भी प्रकार का जो भी टाइटल है। और नेम्स में भी मान लीजिए मिडिल नेम है किसी का, सपोज जॉन एफ कैनेडी, तो जॉन का जे एफ कैपिटल आएगा और के भी कैपिटल आएगा। यदि किसी का नेम्स में कोई अपना इनिशियल बस लिखता है, जैसे जे एफ के, जे एफ के में जे एफ एन के तीनों कैपिटल आएंगे। हम ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं। एस मीन्स स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये तो आपको पता ही होगा कि हम जब भी किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, पैरा को स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को पीरियड के बाद स्टार्ट करते हैं तो हम उसे कैपिटल में ही स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर हम लोअर केस नहीं लिखते। प्रॉपर प्रोनाउन जो है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पर ये कैपिटल में लिखे जाते हैं, कहीं पर ये कैपिटल में नहीं लिखे जाते। इन जनरल जो है आपको मिंट्स रूल याद रखना है। प्रॉपर प्रोनाउन से शुरू करेंगे। प्रॉपर प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा कैपिटल होते हैं, जैसे कि नेम, किसी का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, और महात्मा गांधी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो कैपिटल में आएंगे। यदि मान लीजिए प्रॉपर प्रोनाउन में कोई इनिशियल अपना लिख रहा है, उनका निक नेम एंड कोई सफिक्स है, हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं इनिशियल, निक नेम एंड जॉन, मिडिल नेम मान लीजिए इनका वी है, वी एंड स्मिथ, जॉन वी स्मिथ, ओके, जे वी एस, ये तीनों कैपिटल में लिखे जाएंगे। मान लीजिए जॉन वी एस का इनिशियल हमें लिखना है, हम लिखेंगे जॉन जे वी एंड एस, निक नेम है वो है स्मिथ, स्मिथ, इसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। इसके सामने मान लीजिए ये जूनियर, सीनियर, इस तरीके से कोई अपना सरनेम सफिक्स लगाना पसंद करते हैं या डॉक्टर लगाना पसंद करते हैं तो हमेशा वो जो है कैपिटल में आएगा, जूनियर स्मिथ मे बी, और सीनियर स्मिथ, और डॉक्टर स्मिथ, तो ये चीज़ें हमेशा कैपिटल में आएंगी। किसी भी पर्सन का टाइटल वो भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे कि डॉक्टर, मैंने पहले बताया डॉक्टर, मिस्टर, मिस, मिसेस, ये हमेशा कैपिटल में
लिखे जाते हैं। दिस इज जब आप किसी भी सिटी के बारे में लिख रहे हैं या स्टेट के बारे में लिख रहे हैं या कंट्री या माउंटेन्स माउंटेन और रिवर्स, इन सब के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आपको इन सब के जो इनिशियल जो फर्स्ट इन सब के नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल में लिखना है। फॉर एग्जांपल सिटी बॉस्टन, यहाँ बी कैपिटल आएगा। लंदन, एल कैपिटल आएगा। कंट्री इंग्लैंड या इंडिया या यूएसए, फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा। रिवर, सपोज नील रिवर है तो नील में एन जो है वो कैपिटल आएगा। माउंट, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट में माउंट और एवरेस्ट का ई, ये दोनों कैपिटल आएंगे। जब आप किसी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज, जब आप किसी लैंग्वेज को लिख रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, जैसे इंग्लिश या हिंदी। तो हमें जब कैपिटलाइजेशन करना है तो फर्स्ट लेटर ही हम कैपिटल करते हैं, पूरा वर्ड हम कैपिटल नहीं लिखते। और उनको कैपिटल लिखने के बहुत सारे अलग अलग रूल हैं, ये मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। आप किसी भी जब कंपनी के बारे में बात करते हैं तो उस कंपनी को जब आप लिखते हैं, ब्रांड को जब आप लिखते हैं, या एजेंसीज, कोई भी एजेंसी है उसके बारे में आप लिखते हैं तो उसको आप कैपिटल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी होंडा, उसका मान लीजिए मैं इसे एक सेंटेंस में बनाती हूँ, आई लाइक होंडा कार्स, आई लाइक होंडा कार्स, इसमें होंडा का एच कैपिटल आएगा। मान लीजिए कोई एक और कंपनी है टोयोटा, टोयोटा कार्स आर गुड, इस सेंटेंस में टोयोटा का टी जो है वो कैपिटल आएगा। बैंक ऑफ इंडिया, ये एक एजेंसी है, इसमें आप जो आप है बीच का बैंक ऑफ इंडिया, अब जो है वो कैपिटल नहीं आता, प्रीपोजिशंस कैपिटल में नहीं लिखी जाती। अगर कोई आर्टिकल यदि बीच में आ रहा है, ए एन और द, यदि कोई आर्टिकल वर्ड के बीच में आ रहा है, दो वर्ड को कनेक्टिंग कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, अनलेस कि वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, तब तो उसे कैपिटल में लिखा जाएगा, अदरवाइज उसे स्मॉल में ही, लोअर केस में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी कोटेशन का फर्स्ट वर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है कि कोटेशन जब आप लिखते हैं तो उस कोटेशन में जो पहला वर्ड होता है कोटेशन मार्क्स के, विद इन कोटेशन मार्क्स, वो आपको कैपिटल लिखना है। शी सेड व्हेन आर वी लीविंग, तो व्हेन का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल आएगा क्योंकि कोटेशन मार्क के अंदर का पहला वर्ड है, लेटर है, तो ये जो है वो कैपिटल में आएगा, डब्ल्यू को आपको कैपिटल लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी मंथ, जो हमारा मिंट जो रूल था उसका पहला जो था मिंट्स, हमारा जो रूल था एम आई एन टी एस, उसमें एम जो है वो डिस्क्राइब करता है, तो मंथ्स, जब भी आप कभी मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, डेज के बारे में बात कर रहे हैं या हॉलीडेज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आपको उन्हें कैपिटल में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल I have to leave on Monday. Okay, I have to leave on Monday. इसमें M जो है वो कैपिटल में आएगा। Next, for example, इसी का हम example देखते हैं, holiday मान लीजिए my favorite festival is दिवाली,
जब आप किसी बुक का टाइटल पढ़ते हैं या आर्टिकल का टाइटल पढ़ते हैं या मूवी का टाइटल, तो उसके जो जो मेन वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बुक का टाइटल है अटैक ऑफ द टाइगर, तो इसमें क्या होगा, अटैक एंड टाइगर का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। बाकी अब प्रपोजिशन है कोई, कंजक्शन वर्ड्स हैं या आर्टिकल्स अगर बीच में आ रहे हैं तो आप उन्हें कैपिटल में नहीं लिखेंगे, केवल जो मेन वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को ही आप कैपिटल में लिखेंगे। फिर कोई एक्रोनिम है जैसे कि UFO, जब लिखते हैं तो UFO इसे हम कैपिटल में लिखते हैं हमेशा, करना है MINTS, मिंट्स रूल। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक एक प्रॉपर नाउन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, वो है जब आप डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। पर जब आप सिंपली किसी सेंटेंस में डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इन्हें आप लोअर केस में लिखते हैं। किसी भी सेंटेंस में यू हैव टू हेड ऑन ईस्ट साइड, यू have to head on east side और east direction, okay? ये आपका एक sentence हो गया, for example। पर यदि इसी sentence को जब हम proper noun में लिखते हैं, जब वो किसी geographical area के साथ लिखा जाता है, ये जो words हैं इनके first letter capital में लिखे जाते हैं, जैसे कि west coast या ईस्ट कोस्ट। तो जब आप डायरेक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्शंस हमेशा लोअर केस में लिखी जाती है अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रही है तो, पर जब ये वर्ड के रूप में किसी जियोग्राफिकल नेम के साथ में आ रहे हैं तब आप इन्हें कैपिटल में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग। थैंक